चुप का क्या, फिर आया है मैसेज। तो इस तरह से बैठी हुई कहीं शादी में पीठी करके नहीं बैठा दिया होता है वैसे, ऑयल लेना है सारी चीजें एक एक करके। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आप पूरा दिन देखने वाले हो कि मैं करने वाली हूँ ट्रैवल, और ट्रैवल में मैं क्या क्या चीज़ें मेरे साथ कैरी करती हूँ। इससे आपको भी कभी ना कभी तो हेल्प होगी, क्योंकि जो मैं कैरी करूँगी वो आपको पता चलेगा कि ट्रैवल में क्या क्या साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो मेरे पास नहीं होगा वो भी आपको पता चलेगा ही, क्योंकि जो चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम होगी वो मैं साथ साथ में बताती ही रहूँगी। तो आज तो अभी तो मैं पूरा टाइम शाम से पैकिंग करते हैं, अभी तो नहीं करूँगी ट्रैवल के लिए पैकिंग, अभी तो मैं मेरा सुबह का खाना बनाती हूँ। कल निकलने वाले हैं हम, तो आज पूरा दिन यही ट्रैवलिंग के रिलेटेड प्लानिंग पैकिंग यही चलता रहेगा। पर अभी तो सुबह हम लंच बना देते हैं, और लंच बनाने के बाद शॉप पे जाके भी सारा मैनेज करना है, क्योंकि हम थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो थोड़े दिनों तक सारा सेट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं रहूँगी, चिकू नहीं रहेंगे, तो फिर सारा काम भी कैसे चलेगा वो भी तो पता, सब चलना ज़रूरी है ना, इसलिए सारा सेट करके आज के दिन पूरा दिन प्लानिंग होगी, प्री प्लानिंग होगी पूरी ट्रैवल से। पैकिंग हो गया, हमारी डेली रूटीन में जो जो चीज़ें होती है उसकी ट्रैवल प्लान उसकी प्लानिंग हो जाएगी। तो आज का दिन फुल ऑफ प्रिपेयरिंग डे है, प्रिपेयरिंग। खाने में आज बनने वाली है परवल की सब्जी। में बड़े दिनों से परवल ला के रखे हुए पर बना नहीं रहे, क्योंकि चिकू को पसंद नहीं है इसलिए, और भाई जी आए नहीं है तो मम्मी क्लास लगा रहे बाहर भाई जी की। ये परवल तो मम्मी और हम दोनों बैठ के अभी कट कर देते हैं, और थोड़ा सा आज गला दुख रहा है, मौसम बिगड़ गया है ना, इसलिए परवल की सब्जी बनानी हुई कैंसल। परवल तो मैंने काट के फ्रिज में रख दी, क्योंकि फिर मम्मी ने कहा कि परवल थोड़े से ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, तो इतना इतना सब फिर दाल भी बनाएंगे और सब्जी बनाएंगे तो सब्जी रह जाएगी, तो शाम को बनाएंगे परवल की सब्जी। अभी तो मूंग की दाल मम्मी ने भिगाई है, मम्मी फ्राई करेंगे। मैंने आटा गूंद के रख दिया, चावल भी एक तरफ से भिगा दिए हैं, तो सारा एक साथ ही बन जाएगा। अभी 12:30 हो गई है, 12:30 आज थोड़े लेट हो गए हैं हम काम में, क्योंकि मम्मी आज ये मिट्टू साहब का घर साफ कर रहे थे और सही कराया, पूरा घर इनके टूट गया था थोड़ा। गुस्सा क्यों आ गया तू बोल ले। दोनों मूड में नहीं है अभी बोलने के। सुबह तो चिकू के पास मस्त खेल रहा था, एकदम पास में आके सो गया था, आने मस्ती कर रहा था। और नव क्या हो रहा है? मिट्टू साहब का पिंजरा इनकी जगह पे आ गया है, अब इनके खाना भी रख दिया है, अब हमारा खाना बनाते हैं हम। खाना बना के फिर जाती हूँ शॉप पे, क्योंकि कस्टमर का भी कॉल आ गया है कि आप कब आओगे, हमको शॉप पे आना है, क्योंकि आज तो मैं लेट हो गई, 12:30 हो गई है। अभी नमक के घर नमक वाले पानी के गरारे किए, उससे थोड़ा सा गले में सही लग रहा है, गला दर्द हो रहा है ना थोड़ा, बोलने में न्यूज़ भी सब दिक्कत होती है, ओ भी इसकी पूंछ मेरे को अड़ जाती है, काटता मुझे। रूम में भी ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, आज कुछ भी अवेरा नहीं है, मैंने थोड़ा सही कर देती हूँ। नॉर्मल आटा बांधा था, फिर देव का ऑर्डर आया कि आज मुझे पूड़ी खानी है, तो फिर जीरा और किसी के ब्लॉग में देखा है। अच्छा, अपने ही ब्लॉग में नहीं देखा? अच्छा अच्छा, तो जीरा और अजमा डाल के फिर पूड़ी के आटे को थोड़ा तैयार किया और पूड़ियाँ बना दी है। तो दाल तो मम्मी ने बनाई थी, दाल भी मूंग की बनी है, साथ में पूड़ियाँ है और चावल है। आज थोड़ा खाना अलग हो गया, आज टेस्टी लगेगा, आजकल खाना भा भी नहीं रहा यार, तो मौसम ऐसा हो गया है ना, इसलिए। तो अभी सबके लिए खाना भर देती हूँ, चिकू तू खाने खाने के लिए आ गए, मम्मी के लिए भी खाना भर देती हूँ, मेरे लिए भी भर देती हूँ, तो लंच कर लेते हैं। खाना खा लिया है हमने, और चिकू जल्दी से छोड़ दो ना यार, लेट हो रही है बहुत, इसलिए आपने खाने में लेट किया है। तो अभी सीधा जाती हूँ शॉप पर, क्योंकि रोशनी के भी इतने फ़ोन आ गए ना, डांट रही है वो भी। शॉप
शॉप पे मैं बैठी हूँ और साथ में कस्टमर्स का काम भी चल रहा है, मेरा भी काम मुझे करवाना है। आज मुझे फेशियल लेना है क्योंकि फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग होगी है, हैंड्स पे भी टैनिंग होगी है, तो इसका पूरा करवाते हैं ट्रीटमेंट अब, क्योंकि अब जाना है। सो ये भी तो तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है, सारी तैयारियाँ बाकी हैं, पहले मैं मेरी तैयारी कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि मेरी तैयारी बाकी होगी कोई काम मुझे नहीं सूझने वाला है। अभी मेरे फेशियल का सेटअप लग रहा है और मैं पूरी बूसी हो गई हूँ, देख सकते हो आप बूसी बाकरी। यहाँ पर मिशेल के मेरे फेशियल का सेटअप, हाँ, और यहाँ पर ये बेडशीट भी लग गई है, रोशनी मैडम बैठ चुके हैं और मैं सो जाती हूँ। मेरे को एक बेड वो दे दो, ब्लैंकेट दे दो, ओढ़ा दो, तो मैं एकदम रिलैक्स होके अभी फेशियल करवा रही हूँ। मस्त फेशियल करना रोशनी, आज मज़ा आ जाना चाहिए। फेशियल का कंप्लीट सेटअप हो गया है, अब मैं फेशियल करवाती हूँ और आप एंजॉय करो व्लॉग का। ये देखो हमारे फेशियल का एंजॉय हो रहा है, फेशियल को एंजॉय हो रहा है। सॉरी यार, गलत बोल रहा हूँ। फेशियल मेरा हो चुका है, अभी पैक है वो सूख रहा है, तो मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है। चिबू का क्या फिल्म आया है मैसेज, कि दुनियादारी छोड़ो, अपने उसूल बनाओ, अपने दिल की बात सबको मत बताओ। कि दुनियादारी छोड़ो, अपने उसूल बनाओ, अपने दिल की बात सबको मत बताओ, और जिंदगी जीने का यही तरीका है दोस्त, जो तुम्हें भूल गया तुम उसे भूल जाओ। फेशियल हो चुका है, आप देख सकते हो फेशियल का कितना अच्छा ग्लो आया है, बहुत मस्त, पूरी टैनिंग कंप्लीट रिमूव हो गई, थोड़ा सा आँखों में जा रहा है इसलिए पानी आ रहा है, और आप हाथों की देख सकते हो, हाथों पे फुल टैनिंग हो गई है। तो मैं हाथों पर अभी एक बार तो करवा देती हूँ वैक्स और फिर पॉलिशिंग कराऊँगी, पॉलिशिंग दोनों जने मिल के कर देंगे मस्त, तो ये टैनिंग है वो हट जाएगी, जिससे ये डबल शेडेड दिख रहे हैं ना हाथ, वो थोड़े ढंग के दिखेंगे, नहीं तो कपड़े वपड़े पहनने में इतने ज़्यादा बेकार दिखने वाले हैं हाथ, क्योंकि इतनी टैनिंग मुझे आज तक नहीं हुई है। पहले प्रीवैक्स जेल लग रहा है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है आप देख सकते हो। हो चुकी है, अब हो रही है पॉलिशिंग, तो सबसे पहले आगे पे मस्त मसाज हो रही है। आई होप इससे तो मेरे टैनिंग एकदम से तो रिमूव नहीं होगी फर्स्ट टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क टैनिंग हो गई है, इसलिए अगर थोड़ी कम टैनिंग हुई होती तो हो जाती, पर इस हाथ पे थोड़ी कम हुई है, इस हाथ पे बहुत ज़्यादा डार्क टैनिंग हो गई है। दोनों हाथों में पैक लग गया है और पॉलिशिंग भी हो गई है, मैं तो इस तरह से बैठी हुई हूँ, कहीं शादी में पीठी करके नहीं बैठा दिया होता है, वैसे लग रहा है मुझे पूरी आज फीलिंग, मस्त रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के पॉलिशिंग की है, हाथ भी पूरे यूँ फ्री हो गए हैं, एकदम मस्त हो गए हैं, और टैनिंग भी थोड़ी बहुत गई है, हल्की हल्की आपको लग रही होगी, और हल्की हल्की रहेगी भी सही, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज वाली टैनिंग हुई है इसलिए, तो ये थोड़ा सूखता है फिर हटा देती हूँ। हाँ मैं आज थोड़ी अलग दिख रही हूँ, कमेंट करना कैसी दिख रही हूँ, अजीब सी दिख रही हूँ ना थोड़ी। मेरा काम तो कंप्लीट हो गया है, हेयर भी आज वॉश कर दिए, स्ट्रेट करने थे पर लाइट्स नहीं है, तो अभी मैं जा रही हूँ घर पर जाती हूँ, अब फाइनली पैकिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है, 5 बज गई है, आज थोड़ी पैकिंग करूँगी, कल तो हमको दिन में ही निकलना है। मम्मी के सूट हमने टाइट करने दिए थे, तो वो लेके आ गई हूँ मैं घर पे। मम्मी की तो सारी पैकिंग हम अभी बैठे बैठे कर रहे हैं, जो भी सूट थे वो टाइट कर दिए हैं, जो नहीं हुए हैं वो वापस रोशनी को दिए, और यहाँ पर कपड़े निकाल के रखे हैं सारे। हाँ ब्रश से काल पैक करूँगा, और यहाँ पे न्यूज़पेपर भी ले लिया है, न्यूज़पेपर इसलिए लिया है कि किसी को वॉमिट जैसा हो तो न्यूज़पेपर के ऊपर बैठ जाते, नहीं होती ऐसे बोलते हैं, और ऑयल लेना है, सारी चीज़ें एक 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 निकालती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं साथ में। मैंने मेरे कपड़े यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं, 2 टॉवल रख लिए हैं, अब चिकू के लिए कपड़े निकालती हूँ, ये कपड़े हैं, और ये ट्रैवल बैग भी ले लिया है, जिसके अंदर मैं अभी रखने वाली हूँ शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल, इसके बाद टिश्यूज़, ईयर स्टिक्स, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें भी रखनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी भूलनी नहीं है,
ये सब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि चिकू को सुबह नहाने के बाद जस्ट सारी ये सब चीज़ें चाहिए होती है। लूफा रख लेती हूँ, इसके बाद बॉडी वॉश भी एक रख लेती हूँ। चिकू के कपड़े निकाल दिए हैं, अब चिकू को पूछ लेती हूँ कौन कौन से कपड़े इसमें से ले जाने, क्योंकि वो मैंने सेलेक्ट करके निकाले हैं। और यहाँ कॉर्नर से बैग निकल रहा है क्योंकि सारी साड़ियाँ मेरी भरी हुई है, इसमें नीचे रख दो चिकू, यहाँ पे सारी साड़ियाँ भरी हुई हैं, तो ये वाला बैग सही रहेगा। ऊपर प्लास्टिक रैप है ना, तो भीगने का भी डर थोड़ा सा कम रहेगा। इसके अंदर जितनी भी साड़ियाँ वो सारी निकाल के दूसरे बैग में शिफ्ट करती हूँ, फिर ये सारा सामान उसमें डालूंगी। एक बार कपड़े इसमें रख दूंगी, बाकी की जो भी पैकिंग है वो धीरे धीरे, क्योंकि सुबह भी हमको ब्रश वगैरह सब करना है, तो सुबह वाला काम हम सुबह वाला अलग पैकिंग होगा। और अभी सिर्फ बैग्स में कपड़े और जो भी, अभी बैग सारा खाली करती हूँ और इस बैग के अंदर जो भी सामान है वो निकालती हूँ, फिर ये सारा सामान उसके अंदर जाने वाला है। तो आज तो मम्मी की एक तरफ पैकिंग हुई है, अभी एक तरफ मेरी हो रही है, साथ में अभी डिनर भी बना रही हूँ मैं। डिनर में जो सुबह मैंने परवल काटे थे वही बनेंगे, क्योंकि थोड़े ज़्यादा थे ना, क्योंकि मैं समझ रही थी बड़े बड़े हैं तो थोड़े पके हुए निकलेंगे, पर पके हुए नहीं निकले, अच्छे सॉफ्ट ही निकले, तो उसको बारीक कट कर दिया। अभी मम्मी फ्राई कर रहे परवल, क्योंकि परवल की सब्ज़ी मुझे नहीं आती है बनाने, बनाती भी बनाऊँगी तो भी मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनेगी। ये जो पुरानी पुरानी सब्ज़ियाँ होती है ना, वो मम्मी के हाथ से बहुत टेस्टी बनती है। बैग में मेरा सामान जा रहा है, सारी साड़ियाँ उधर कॉर्नर में जमाई हैं, आपको दिख रही होगी, तो उधर कॉर्नर में सारी जमाई हैं, बैग में ही सामान जा रहा है। और चिकू बोल रहे हैं एक बार तुम्हारी पैकिंग कर लो, बाद में रखे मेरी पैकिंग करूँगा, तो मैं सारा सामान एक बार मेरे बैग के अंदर डाल देती हूँ। पैकिंग आधी अधूरी छोड़कर एक बार खाना बना लेती हूँ यूँ करके। मम्मी इधर बना रहे हैं परवल की सब्ज़ी, मैंने आटा गूंद के रख दिया है। जब तक परवल की सब्ज़ी बन रही है, रोटी इतने में बना के क्या करूँगी यूँ करके। मैंने है ना जो नेक सपोर्ट के लिए पिल्लोज होते हैं वो वाले वॉश कर रही हूँ, यहाँ पर एक वॉश करके यहाँ पर रख दिया है, एक और वॉश करना बाकी है, तो वो यहाँ पे बेसिन में खड़े खड़े ही मैं वॉश कर रही हूँ, ताकि क्या बाथरूम में पूरा बैठूँगी बहुत काम बढ़ जाएगा। बेसिन में खड़े खड़े अच्छे से वॉश हो जाएंगे, तो वॉशिंग मशीन में ड्राई कर दूँगी, 2-3 बार ड्राई कर दूँगी, पूरी रात में सूख जाएगा, क्योंकि बारिश के मौसम की वजह से कपड़े ही नहीं सूख पा रहे। पिल्लो तो मुझे सुखाना ही पड़ेगा, थोड़ा गंदा है। इसलिए खाना बना के मैं ले आई हूँ, चिकू को तो सब्ज़ी भाई नहीं है इतनी परवल की, ऐसे थोड़ी नमकीन लेके बैठे हैं। दाल तड़का मार के लाई थी, पर ये भी सुबह की नहीं भारी है, मैंने ले ली ये परवल की सब्जी, रोटी और सुबह की मूंग वाली दाल। थोड़ा घी में तड़का मारा है, मेरे को तो अच्छी लगेगी, क्योंकि खुशबू अच्छी आ रही थी तभी पे लगाया ना, इसलिए। तो एक बार अभी खाना खा लेती हूँ, बस ट्रैवल तो क्या करो। अभी तो यानी यूँ हो गया है ना कि पैकिंग तो कर ही रहे, ये पैकिंग जिस शिद्दत से कर रहे हैं ना, आके यानी खतरनाक थकने वाले, और उसी सारा ये बिखरा जो समेटना पड़ेगा ना, तब इतना जोर आने वाला है, जोरदार वाला। और आप खुद बताओ, कहीं जाके आते हो फिर ये सब अवेना पड़ता है, तब जोर आता है कि नहीं आता है। खाना हो गया है, अब फाइनली प्रेस करने की बारी आ गई है। मेरे जो सूट, एक सूट है उसको प्रेस करना है, और एक जो मेरा प्लाजो और शर्ट का सेट है उसको प्रेस करना है, क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत सल हो गए, रेयन वाला कपड़ा है ना और कॉटन वाला कपड़ा है, तो कहीं ले जाते तो थोड़ा सही रहे तो ज़्यादा सही है। मेरे को प्रेस करने हालांकि आती नहीं है, पहली बार बैठी हूँ प्रेस करने, ऐसे पूरा सेटअप लगा के बैठी हुई आती हूँ वैसे। तो ये जो मैंने पहना था, हम सारंगपुर गए थे तब पहना था ये वाला मैंने, तो वापस से रिपीट कर लेते क्या है, नहीं तो है। ये कपड़े प्रेस हो गए, मुझको जैसे आते थे वैसे प्रेस किए, क्योंकि मैं भी मेरे को आती ही नहीं है सही से प्रेस करने, पर सलसल ऊपर हटा दिए। वहाँ मम्मी के भी 2-3 कुर्ते थे वो कर दिए, और ये यहाँ पर प्रेस ऐसे कैसे छोड़ दिया मैंने, पर बंक कर दिया है। अभी सेटअप को भी अवॉइड देती हूँ, क्योंकि यही बेडशीट मुझे साथ में भी ले जानी है, क्योंकि एक बेडशीट, पिल्लो, ब्लैंकेट, ये सब चीज़ें साथ में रखनी है, ज़रूरत पड़े तो ये सारी चीज़ें काम आती है इसलिए। और पापा ने तो गैस का चूल्हा भी ले लिया है, ये सबको भी पैक करना है, चाय नाश्ते का सामान भी साथ में पूरा कंप्लीट ले लेना है, तो वो भी आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी मैं कल के व्लॉग में बताऊंगी। आज के व्लॉग में मैं जितनी तैयारी अभी कर पाई हूँ उतनी कर दी है मैंने, जो कि मैंने आपको पूरी बता दी है। अगर आज का व्लॉग आपको देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। अब कल के व्लॉग में तो आपको पता चले गया होगा कैसे मिलेंगे। बाय।